सुषमा नाई बड़वानी एमपी में, मेरे इस उल्टे कान में नस दबी हुई थी और सीधे कान में फंगस के कारण थोड़ा सा घाव था तो उसने छेद बता दिया। ये फंगस तो अभी 15-20 दिन से हो गया, लेकिन ये 3-4 साल से मेरे को इससे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कम सुनाई दे रहा है। फिर अभी जांच कर रही थी, उन्होंने कहा कि मशीन लगेगी, ऑपरेशन नहीं होगा, ये नस दब गई है मेरा। इंदौर वाले डॉक्टर साहब ने तो हमको बहुत ज़्यादा डरा दिया था। फिर हमने हमारे बड़वानी में होम्योपैथिक दिखाया तो उससे मेरे को फ़ायदा हो गया। फिर अभी मेरे को फंगस हो गया था, कान दर्द हुआ तो हमने एक नए डॉक्टर आए उनको दिखाया तो उन्होंने फिर दोनों कान चेक किए तो ये तो मतलब हो जाएगा ठीक घाव वगैरह, पर इसने बोले कि सुनने की क्षमता बहुत कम हो गई है और नस पूरी दब गई तो अब इसका इलाज नहीं हो सकता। ये हमारे जियाजी मनाड़ से उन्होंने वीडियो आपके यहाँ का भेजा, वीडियो हमने देखा फिर हम लोग यहाँ आए। अभी छोड़नी पड़ी, सिर में दर्द भी होता था, फिर ऐसा लगता था कि ज़्यादा बाहर नहीं निकले और बस ये इसी सामना करना पड़ा। तो मैं बहुत कम बाहर बात करती थी, फ़ोन पे भी नहीं बात करती थी ज़्यादा। अभी मेरे को बेटर फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, आत्मविश्वास भी बढ़ा मेरा कि मतलब एक नई दिशा मिली कि जो मैं सोच रही थी वो गलत है और अब मैं अच्छी हो सकती हूँ, सबसे मिल सकती हूँ। दुनिया में बहुत से अभी ऐसी मतलब चीज़ें हैं जो असंभव नहीं है, अगर हम देखें तो अपने को पता चल जाएगा कि हर चीज़ का इलाज है। मतलब निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा उम्मीद की किरण रखना चाहिए और अपनी मुश्किल का सामना करना चाहिए।